साथ ही दूसरी वीडियो यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आज हमें भागने का टाइम भी नहीं मिला क्योंकि इसकी बैक लग जो है ना स्टैक करने लगता है, तो मुझे ऐसे फील होता है इसकी हाइंड लेग में जान ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो 2.5 महीने से लेके अब, यानी कि सेकंड वैक्सीनेशन इसको थर्ड वीक 3rd महीने लग गई थी, 3 महीने की एज तक इसकी दोनों वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई थी। एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आफ्टर वैक्सीनेशन के लेके आज एक दिन नहीं मैंने मिस किया कि मैं इसको वॉक ना कराऊं। आप डेली वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ये फुल ट्रांसमिशन है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कोई दिन मिस हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसे फील होगा अभी भी ये वीक है या इसका वेट ज़्यादा है। वेट अकॉर्डिंग टू बुक ठीक है, हाइट ठीक है, हाइट अभी इसने डबल हो रहा है, 1 फुट से अबव है, तकरीबन 1.5 फुट या उससे भी अबव है, ठीक है। इस महीने में इसने, मैंने इस आधे महीने में तो पाकिस्तान होना है, ठीक है, बस यही टाइम पीरियड आप वीडियो नहीं इसकी कोई देख सकते। हाँ शायद मेरी वाइफ कोई वीडियो बना के मुझे रख ले अपने पास, जब मैं वापस आऊँगा तो अपलोड कर दूँगा, उसे मैं कहूँगा डेली की एक वीडियो 3 मिनट 2 मिनट 5 मिनट की इवन बना के रखे, डेली की नहीं तो 2 दिन 3 दिन बाद की वीडियो एक बना के रखे ताकि मुझे भी पता चलता रहे। मैंने अभी इसकी माँ के बारे में थोड़ी सी डिटेल लेनी है, वो भी सेल हो रही है, मुझे बहुत पर्सनली पसंद थी। हाँ वैसे ही है, मेरा नहीं ख्याल ये बहुत थिक हैवी लॉन्ग कोटेड नेल होगा, नहीं ये जिसे हम मीडियम शीडियम कोट कहेंगे वो भी वैसा कुत्ता बन जाएगा, कोई पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। फिर भी अभी मैं कोई इतना तगड़ा कमेंट नहीं पास करना चाहता, कुछ आया तो मैंने अपनी तरफ से तो लॉन्ग कोट ही लिया था, ठीक है, लेकिन अब मुझे शौक है शॉर्ट कोट का, स्टॉक कोट जो है उसका, वो वेट करूँगा। फीमेल का भी ना मैं बार 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 डबल माइंडेड हो रहा हूँ कि मैं वेट कर रहा हूँ कोई अच्छी चीज़ मुझे आयरलैंड से यूके से मिल जाए, इन 2 कंट्रियों से कोई अच्छी चीज़ मुझे मिल जाए वो बहुत टॉप क्लास की। देखो मेरी नज़र में टॉप क्लास, मैं पिगमेंटेशन को टॉप क्लास में लेके आता हूँ, कलर शलर अच्छा हो ठीक है, विदर शिदर हाइट शाइट माँ बाप की अच्छी हो, क्रूप श्रूप ठीक हो, एक बहुत ज़्यादा क्रूप होता है स्टीप, वो कुत्तों की ना मूवमेंट में थोड़ा सा उसे तो वो वैसे फ्रीली मूवमेंट नहीं कर रहे होते, जैसे ये लंबे लंबे है ना, मुझे वो कुत्ते मुझे पसंद है उसका, चाहे स्लोप जो कम हो वो स्टेट बैक एंड स्लोली स्लोली 27 डिग्री में हो, कहीं बहुत ज़्यादा एंगुलेशन में है वो भी नहीं मुझे पसंद, ठीक है। जैसे ये मैक्स है इसका इतना पता नहीं चलता, हाँ स्टैक कराओ तो पता चलता, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा, ये लंबे लंबे हैं टेल से लेके नोज से लेके टेल तक, ये अच्छी है इनकी, जब ये मूव करते हैं ना तो इनको मूव इनको पता ही नहीं चलता, बहुत फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, इनकी बॉडी और डग 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 मग ऐसे ऐसे हिल नहीं रही होते, बड़ा स्मूथ जाते हैं, ये देखो ठीक है। अभी पपी है, बहुत छोटा है, 5 महीने का, अभी इसने कहीं कुछ चेंज देना, हाँ यार मैं फिर बोल लूँगा, जैसे अब पाकिस्तानी सीगर शो हुआ था, बड़ी बड़ी ज़ात के कुत्ते, टॉप क्लास के कुत्ते, क्या पिगमेंटेशन, क्या हेड, क्या लेग्स, क्या क्रूब, क्या स्टीप, क्या जी आईज़, क्या हर ईयर शीयर फेस मसल हर चीज़ से वो कुत्ते ट्रेन नहीं थे,
ठीक है। शो के लिए आपका पप्पी ऐसे ट्रेन हो जैसे पता चले बोलो तो खड़ा हो जाए कुत्ता, बोलो वॉक करे। अच्छा एक स्टैक पे लगा दो तो जाम ही हो जाए स्टैक में, अपनी पोजीशन होल्ड करके रखे, अपने टीथ शो करे, हर चीज शो करे, ठीक है, मैनर में कुत्ता रहे, मिसबिहेव ना करे, वैसे कुत्ते निकल जाते हैं आगे। मेरा बड़ा माइंड चेंज हो गया था इसके बारे में ना, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है, मैं न्यू ओनर हूँ। मुझे था कि इसका ना इसी के बाप में से और मदर से, इसके बाप से और इसकी ग्रैनी से एक बच्चा था, वो मेरा दिल आ गया था उसमें। मेरा था कि स्वैप कर लूँ, ये दे दूँ साथ थोड़े से पैसे दे के वो बच्चा ले लूँ, लेकिन उसमें सिर्फ एक मुसीबत थी, वो बच्चा 11 महीने का हो गया था। 11 महीने का हो गया तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मुझे था कि वो पता नहीं कैसे उसने टेन किया है, कैसे उसने रेयर किया है, कैसे उसने ब्रेड किया है, बच्चों के साथ कैसा उसका बिहेव है, और उसका ओवरऑल अग्रेशन कैसा है। कुत्ता मानता भी है बात के नहीं मुझे हर चीज़, क्योंकि जो इसका ब्रीडर है वो पोलिश है, पोलिश लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, वो हर चीज़ पोलिश में इनको सिखाता है। उन तो फिर मैंने कहा जो पप्पी से करता हूँ स्टार्ट। अभी इसके टीथ मिसिंग है, मैंने कल टीथ चेक किए थे, टीथ इसके टूटे हुए हैं, कहीं बेबी टूथ टूट गए हैं, और शो है मार्च में, 20 मार्च को, ठीक है, 19-20 मार्च को इसने होना एग्जैक्टली 6 महीने और 10 दिन का, और वही एज है जैसे 7 मंथ में इसके मोलर, इसकी दाढ़े जिसे बोलते हैं वो वाले टीथ आने हैं, कई इसके मिसिंग होने हैं, तो ये डिसक्वालीफाई ना हो जाए। मुझे सिर्फ इस चीज़ का ना, जैसे वो भी बोल रहा था यहाँ तो ये 3-4 महीने की एज में पपी में खेले तब ठीक है, या थोड़ा सा 6 महीने के बाद वाली एज में खेले जब इसकी सारे डांस कंप्लीट हो जाए, तो ये इस चीज़ों का मुझे था, तो देखता हूँ क्या बनता है, देखता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान आऊँगा, चला जाऊँगा, इसे कोई वॉक करवाएगा, ये कैसे करता है, चीज़ें भूल ही ना जाए, बच्चे कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा कि नहीं मेरे बाद, ये चीज़ें सारी।